बिहार का राजनीतिक इतिहास इतना बड़ा है जिसको अगर लिखे तो कई लोगों की जीवन पूरी हो जाएगी, लेकिन इतिहास खत्म नहीं होगा। उसी बिहार में आज इतिहास बनाने देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आ रहे हैं। बिहार विधान मंडल को दुल्हन की तरह सजा दिया गया है और तमाम जो तैयारियां हैं वो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के शिरकत को लेकर की गई है। आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जब बिहार विधानमंडल पहुंचेंगे तो इस दौरान वो शताब्दी स्मृति स्तंभ का अनावरण करेंगे। गौरतलब हो कि जिस तरीके से देश इस बार अपनी आज़ादी का महोत्सव मना रहा है, उसके साथ ही बिहार विधानमंडल जो कि 100 साल का एक इतिहास बना चुका है, उसका भी समापन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के शिरकत के बाद होगा। गौरतलब हो कि बिहार विधान सभा में जो संग्रहालय बना है उसका भी शिलान्यास आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी करेंगे। इसके साथ ही बिहार विधान सभा अतिशाला का भी शिलान्यास प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा किया जाएगा। कल्पतक पौधे का जो रोपण है वो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी करेंगे। इसके साथ ही बिहार विधान सभा परिसर में जो उद्यान बना है उसको शताब्दी स्मृति उद्यान के नाम पर रखा जाएगा। और देखिए, जो तमाम तैयारियां हैं वो इस वक्त बिहार विधानमंडल की है, जहां पुलिस प्रशासन के पुख्ता इंतज़ाम किए गए हैं। इसके साथ ही आज जब बिहार की धरती पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी होंगे, उस दौरान कई जो सड़कों की रूट है उसमें भी बदलाव किया गया है। और तस्वीरें देखिए कि जो पुलिस की तैयारियां इस वक्त की गई है वो साफ झलक रही है। तमाम बिहार सरकार और ख़ासतौर पर पटना पुलिस के जो अधिकारी हैं वो सक्रिय नज़र आ रहे हैं। पटना के SSP हैं मानवजीत सिंह ढिल्लो, वो मौजूद हैं। पटना सचिवालय की जो ASP हैं वो मौजूद हैं। इसके साथ ही पूरे बिहार विधान मंडल आज SPG सिक्योरिटी में बदल गया है। और इसके साथ ही जो तमाम तैयारियां हैं वो नरेंद्र मोदी के स्वागत में की गई है। इसके साथ ही एक बड़ा जो संकट है वो आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के दौरे पर भी दिख सकता है, क्योंकि जिस संख्या में आज बिहार सरकार के मंत्री कोरोना संक्रमित पाए गए हैं, उसके बाद हाई अलर्ट के बीच तमाम जो कोविड प्रोटोकॉल हैं उसे पालन करते हुए आज जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पहुंचेंगे तो उनकी इस कार्यक्रम में लोगों को शिरकत करना होगा। इसके साथ ही जो तमाम तस्वीरें हैं आप देख रहे हैं, शायद ही इतनी बड़ी संख्या में आपने बिहार विधानमंडल के बाहर पुलिस की तैनाती देखी होगी। और आज जब यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी बिहार पहुंचेंगे, राजधानी पटना में होंगे और एक इतिहास बनाएंगे, क्योंकि अब तक जो हमारी आज़ादी के 7 दशक हुए उस दशक में कोई भी प्रधानमंत्री बिहार विधानमंडल में नहीं आया था। और इसके साथ ही आज देवघर में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भगवान भोलेनाथ की पूजा अर्चना करेंगे, वो भी एक रिकॉर्ड है, क्योंकि सावन के ठीक पहले आज तक किसी भी प्रधानमंत्री ने झारखंड में देवघर जाकर भगवान भोलेनाथ को जल नहीं चढ़ाया था। और आज कई इतिहास के साथ प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के स्वागत के लिए दुल्हन की तरह बिहार विधानमंडल सज चुका है। जो तमाम तस्वीरें आप इस वक्त देख रहे हैं वो बिहार विधानमंडल का है, जहां बिहार मंडल में वो तमाम तैयारियां की गई है जिसके बीच प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी शिरकत करेंगे। आप बने रहे फर्स्ट बिहार झारखंड के साथ, खबरों का सिलसिला यूँ ही चलता रहेगा।